बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, कल जैसे कि खबर हमने आपको दिखाई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने बांद्रा वाले फ्लैट में। जी हाँ, उसके बाद आज उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। अभी अभी कुछ देर पहले ही उनके पिता ने उनके शरीर को मुखाग्नि दी और वो पंचतत्व में विलीन हो चले। वो तारे, वो बादल, वो आसमान जिन्हें वो अपने घर पर बैठकर निहारा करते थे, जी हाँ, वो तारों को देखने के बड़े शौकीन थे, वो चंद्रमा देखने के बड़े शौकीन थे, वो आसमान को घंटों निहारने के शौकीन हुआ करते थे, आज उन्हीं सब में विलीन होकर खुद ही चल दिए। जी हाँ, आज उनके दिल में ख्वाहिश जागी कि क्यों ना उन्हें पास से देखा जाए। और देखिए कुदरत का करिश्मा कि जो इंसान उन्हें इतना चाहता था, जिन बादल, जिन बिजली, जिन तारों को उन्होंने खुलकर बारिश की, जी हाँ खुलकर बरसे वो, शायद आसमान भी रो रहा था उस सितारे के टूटने पर जो उन्हें इतना प्यारा था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत जो किसी को कभी गलत नहीं कहा, किसी का कभी दिल नहीं दुखाते थे, वहीं एक बड़ा योगदान जो उन्होंने चैरिटी किया और अब खुलकर सामने आया, वो उन अभिनेताओं में से बिल्कुल भी नहीं थे कि बताकर फिर दान करते थे और ढेर सारी मीडिया में सुर्खियां बटोरने को खड़े हो जाते थे। उन्होंने केरल रिलीफ फंड में 1.5 करोड़ रुपए दान किया, जी हाँ, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब केरल सरकार ने जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे तो खुद इस बात को ओपन किया कि केरल सरकार को सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 करोड़ की राशि जो है वो दान स्वरूप दी थी, मदद स्वरूप दी थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सुर्खियां नहीं बटोरना चाहते थे दान देकर, उन्होंने कभी इस चीज़ का जिक्र कहीं नहीं किया, ना होने दिया। वहीं कुछ अभिनेता हैं जो करते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, जताते उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उन अभिनेताओं में से नहीं थे। सिर्फ बात थी तो इतनी कि दोस्त यूँ तो बहुत थे, बैठते भी बहुतों के साथ थे, कहते भी बहुतों से थे, लेकिन वो अपना जिसे वो तलाश रहे थे, जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, शायद वो पूरी मुंबई में कहीं नहीं था। मुंबई में सबका साथ था, सबके साथ थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए। इतना अकेलापन उस स्टार को जिसकी मूवी 100 करोड़ कमा गई, जिसकी मूवीज आती थी और बड़े पर्दे पर धमाल मचा जाती थी, और इतने धीमे पैरों से आती थी कि किसी को एहसास भी नहीं होता था, लेकिन जब जाती थी तो पता चलता था कि मूवी सुपरहिट है, धमाल मचा दिया। और एक छोटा कलाकार जो एक छोटा सितारा जो आज इतना बड़ा बन गया, इतने बड़ा बन के चमकने लगा, उसने इतने अलग अलग किरदार निभाए, इतनी अलग अलग किरदारों को जस्टिस दिया। जी हाँ, धोनी जैसा किरदार जिनके बारे में खुद धोनी ने कहा कि सुशांत सिंह से बेहतर मेरा ये किरदार कोई नहीं निभा सकता था, और कोई भी धोनी के किरदार को इस तरह से जस्टिस नहीं दे सकता था जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने दी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन बड़ा ही दुख है आज ये कहते हुए कि अब हमें है ना कहते हुए थे कहना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कोई ऐसा अपनी लाइफ में रखिए जिसे आप समय आने पर अपने दिल की बात बता सकें, अपना अकेलापन शेयर कर सकें। ना कुछ हो तो एक डायरी लीजिए और अपने विचारों को उसमें व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि किताबें अक्सर बोलती भी बहुत हैं और सुन भी काफ़ी कुछ लिया करती हैं। तो बस इसी विचार के साथ अपना रखिए आप लोग ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।